अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग आज आ रहे हैं बच्चों की बुक्स लेने, क्योंकि स्कूल अब ओपन होने वाले हैं। तो स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि बुक्स बॉक्सेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग ले लें। तो आई एम रेडी कि वो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने का आएगा। तो जिस तरह से महंगाई है, उस हिसाब से तो लगता है कि बहुत पैसे लगेंगे। लेट्स मूव, जाएंगे तो फिर ज़्यादा पता चलेगा कि कितने पैसे लगते हैं और बुक्स का क्या हिसाब है। ये जो हम लोगों ने सेटअप स्टार्ट किया ना कि तमाम बुक्स इकट्ठी ले और फिर एट द उसी टाइम फिर हम लोगों ने ये करना कि भाई बुक्स का वो चेंज हो गया है सिलेबस, तो ये समझ से चीज़ें बाहर हैं। चलें जी, देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है स्कूल की और स्कूल के बुक्स के और सिलेबस की। वहाँ जाएंगे तो फिर सही एग्जैक्टली आइडिया होगा। जी, बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन मिला है कि भाई आप लोग बुक्स ले लें। अब बुक्स कितने की बनेंगी, क्या होगा, किस तरह से नोटबुक्स और बुक्स दोनों इकट्ठी ले सकते हैं, या उनका एक प्रॉपर एक सेटअप होता है। अब स्कूल्स के ना ये चीज़ बड़ी ही पेनफुल है कि तो चले फीसिस ज़्यादा हैं और सबके फाइन वो तो बंदा कर ही रहा है, लेकिन जब बुक वाला सीज़न आता है तो ये मैंडेटरी कर देती है कि हमें तमाम बुक्स मैंडेटरी लेनी है। हमारा जब टाइम होता था, हमारे टाइम की तो क्या ही बात थी वैसे, तो हम लोग जो है ना बुक्स फॉरवर्ड करते थे। हर टाइम में महंगाई अपने हिसाब से ही हुआ करती थी, लेकिन हम लोग ना बुक्स एक दूसरे को देते थे। हम मैंने बुक्स पढ़ ली तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी, वहाँ से फिर मैंने खुद अरेंज कर ली। तो ये सेटअप हम यहाँ पर भी करने की कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिलेबस चेंज हो जाता है। मैंने भी इस दफ़ा थोड़ा सी कोशिश की कि बच्चों के कोई प्रीवियस बुक्स, बच्चे आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से रखते हैं तो, लेकिन वो सिलेबस ही चेंज हो गया। कहानी बदल दी आप लोगों ने तो हमारी, दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस। हाँ, शायद ने जो वर्ड यूज़ किया है वो एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। चले जी, जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है, क्या कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये वाला इसकी कवर है, ये वाला है ना, ये तो कॉपी से बुक्स के तो नहीं है ना, बुक्स से करवा लेते हैं। ठीक है, 15 माइक्रो कंप्यूटर बैठा है। चल रश चेक करूंगा, इतना ज्यादा रश है अब तो। ये मैं क्या निकले से तो क्या गेम्स में तो अब ये हम लोग देखी ना। बोलो मम्मा, मैं इतनी मोटी नजर आती बैठी हूं, इसको हाफ कर। सॉरी अभी भी नहीं, अब बोलो। ओ माय गॉड, इतनी गर्मी, लोगों इतना महंगा कोर्स, और पूरा उन्होंने बॉक्स बनाया होता है जिसमें 47 आइटम्स थे जो कि 20-21,000 के मिले हैं। सिर्फ हाजरा के हैं, जैनब के अभी मिलने हैं, वो हम एडवांस बुकिंग करवा के आए हैं क्योंकि स्कूल नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक ओपन होने लगे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि हमें प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, तो उसका हमने एडवांस बुकिंग करवा ली है, पैसे भी सारे जमा करवा दिए, लेकिन बुक्स हमें नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मिल जाएंगे, मंडे ट्यूसडे तक। फर्दर बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए फिर इसको मैंने कहा कवर वगैरह, क्योंकि हाजरा माशाल्लाह इतनी कोई सुगड़ वाली बिल्डिंग जी, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ ना आपको, तो मैं क्या इसकी जो बुक्स इतनी खूबसूरत खूबसूरत ली है ना, तो ये सत्यानाश हो जाता है इनका। इसको फिर प्रॉपरली हम लोगों ने कवर भी करवाना है मैंने, तो मैं सोच रही थी कवर भी करवा देते हैं इसको, ताकि ये सही तरीके से इसका फ़ायदा उठाए, भरपूर फ़ायदा। अभी जैनब का हम यूनिफॉर्म के लिए जा रहे हैं, वहाँ यूनिफॉर्म इसका मैं स्टिच करवाती हूँ जैनब का, वहाँ पे इसका गर्मी बहुत ज़्यादा है, आदत निकलने की है ना हम लोगों की। चले अभी ज़रा मैंने ना अपना माउस एंड कीबोर्ड लेना है, तो वो हम लोग ज़रा चेक करते हैं माइक्रो कंप्यूटर वाले से, और वो भी एक बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन दुकान पे इतना रश है, मैं हेजिटेट टू गो देयर। चले जी, देखते हैं क्या होता है।
मैंने अपने लैपटॉप के लिए, क्योंकि मुझे लैपटॉप पे काम करने का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अपने लिए ये माउस लिया, ये आम से शॉप से लिया जिसमें ब्रांडेड मिलते हैं सेकंड हैंड, दिस इज सो गुड, ये मैंने लिया है। और छोटा सा मिनी सा मैंने अपना कीबोर्ड लिया है, बहुत ही अच्छा सा, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। मिनट यार, मैं एक मिनट जी, ये कितने लग रहा था बेटा? 60 रुपये। ठीक है, अच्छा देखो ब्लू ना हो ना, उसको क्लियर दे, चिट्टा का नहीं, चिट्टा बॉक्स है वाला होगा। पूछो आपके पास कोई कलर से त्रा चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह है, ग्यारह आइटम है। हाँ जी जनाब, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना कीबोर्ड, टिनी सर ये देखिए, वाओ इट्स सो सो मज़े का, ये जो है ना इस पर काम करेंगे, देखो मेहनत करेंगे इस पर, पता नहीं और कितनी मेहनत बाकी है, आई डोंट नो। सो नाइस माँ, इस पर तो मैं अपना आईसीटी का काम भी कर सकती हूँ, इस पर हम लोग काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम लोग बच्चों के लंच के चीज़ें लेने के लिए आए हुए हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें लेंगे अभी, तो देखते हैं क्या लेना है क्योंकि गर्मी भी है और बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। गाइस हमारा पूरा मेन्यू बच्चों का हफ्ते का, सबसे पहले शॉर्मा आएगा, उसके बाद फ्राइज आएंगे, उसके बाद बर्गर आएगा, उसके बाद पिज्ज़ा आएगा, उसके बाद पास्ता आएगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत, पिज्ज़ा और पास्ता इसको भी खाना है। ना? हमने जी नहीं, आपने नहीं खाना, हमने नहीं खाना। हाँ जी, इसको छेड़ने की जाती है। इसकी चीज़ मिया, मिया, मोनी लोनी, मोनी मिट्टी। गंदी चले जी, मूव ऑन। ये हम लोग ले रहे हैं, सोब्रो सो के हैं। ये किसके हैं? ये डॉन के, डॉन के वैसे अच्छे होते हैं, है ना जैनी? एंड दिस वन, ये भी कैंसर कैंसर है ना, तो अभी बिस्किट कोई ना कोई देखते हैं कौन सा लेना है इन लोगों के लिए, कौन सा पैकेट लेना है। तो आई लव दिस ओरियो, ओरियो हाय हाय, वाओ यम्मी, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये कप केक्स लें हरम के लिए या खराब थे इसे सारे? चॉकलेट डोनट्स। हमने बच्चों की चीज़ें ले ली हैं, तो हरम साथ थी जिसकी वजह से प्रॉपरली वीडियो नहीं बनी, उसमें नुटेला भी लिया है ज़रा अपनी फरमाइश पे, बट नुटेला ज़रा दो दिन का करती है। तो अब हम यहाँ पे बड़ी मशहूर चना चाट विद समोसा वाला है वो खाने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे सिटी की बहुत स्पेशल वो जो है समोसा वाला चना चाट विद। चलें जी देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी है। झूठ बोल रही हूँ मैं, दो दिन में ख़त्म नहीं करती नुटेला। तो अभी हम जा रहे हैं अजीज के पास, पेट्रोल पंप पे चना चाट फेमस है, तो वही जा रहे खाने के लिए, हमारी स्मार्टी ने उठता है, तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा होगा। ये देखिए जनाब समोसा, ये हमारा आ गया है, ये देखिए इसमें प्याज की स्टफिंग है यार, ये देखिए प्याज, समोसे, चने और मसाले की स्टफिंग है इसके अंदर, और चटनी भी है इसका साथ। और ये भाई के मशहूर पकौड़े हैं, ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा इधर से, बहरहाल ये बहुत ही यमी है, वाओ खाएं और मजे करें। चलें जी खाते हैं फिर बताते हैं। अजीज के सामने पेट्रोल पंप है, आइए जल्दी चाट खाइए। हमने इसकी चटनी का फ्लेवर आ रहा है समोसे का और चने का, वाह लॉक है ना। हाँ
देखो ये देख रही है क्या खा रहे हो। सबसे जो अच्छी बात है ना, आई लव दिस बर्तन। मुझे ना ये देसी टाइप बर्तनों में खाना बहुत मजा आता है, चाय प्याले में पीना, लस्सी को वो मट्टी के बर्तन में। तो ये जनाब हमारा देसी तरीका है। मम्मा को ना मट्टी के बर्तन में अगर आप चाय भी देते हो मम्मा को कुल्हड़ के, है ना। एक एक इंडिया में प्रोफेशनल चाय वाला है, वो कुल्हड़ के अंदर चाय देता है और को चाय पी के कुल्हड़ को खा जाते हो। ओ वाह, ऐसे होता है मतलब वो कौन होती है टाइप कुल्हड़ को बना के। हां सर, मतलब इतना फेमस हो गया उस जगह, हमने जब ये आइडिया लगाया था ना तो बहुत फेमस हो गया वो। वैसे एक बंदे के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है मेरी तरह। देखो कभी से देखो कुछ मिल रहा है आपको। जैनब का यूनिफॉर्म स्टिच नहीं हुआ, उन्होंने हमें कल का कहा है, कल का है। तो फिर मैंने जैनब के स्कूल में टीचर से बात की, मैंने कहा आप बगैर उसके वो कलर में आ सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कल ये जैनब का यूनिफॉर्म पिक करेंगे। अभी हमने सॉक्स ले लिए हैं, वो ले लिए, शूज़ इनके हैं पड़े और स्टेशनरी हो गई है पूरी। जी बाबा जब आप समोसे खाने हैं ना, हमारी तरह कमन बनिएगा, स्प्राइट साथ लेकर आइएगा। लेमन वाली स्प्राइट है क्योंकि हम उस टाइम ग्रोसरी शॉप में थे, जिस टाइम फोन आया कि हम लोग इधर है तो आप लोग पहुंच जाए, तो हम लोग फौरन मैंने कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि टस तो तब आती है जब खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक। मेरे भी तो मन वाले बच्चे, ये किसका बच्चा है भाई, हम नहीं जानते ये कौन है।